तो आपने बहुत लोगों से और यहाँ तक कि आपके डॉक्टर से भी ये सुना होगा कि आपने खाने में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने खाने में क्या खाना चाहिए और रादर ज़्यादा खाना चाहिए जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सके। तो देखते रहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 7 ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगा जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। तो फूड आइटम नंबर 1, आमंड्स यानी कि बादाम। तो बादाम किस तरह आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकता है, इसके प्रमुख 3 कारण हैं। नंबर 1, इट कंटेन्स एंटी ऑक्सीडेंट्स। अब ध्यान में रखिए कि हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वॉट एवर ब्लॉकेजेस दैट इट प्रोड्यूसेस इन द बॉडीज ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लॉकेज प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक प्रोसेस है जिसे कि हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसके थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कि एंटी ऑक्सीडेंट्स हो, तो वो इस ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको रोकता है, और इस तरह से एंटी ऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी को लाभ पहुँचाते हैं या फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो बादाम में पहली बात एंटी ऑक्सीडेंट होता है। दूसरा, बादाम में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। नाउ फाइबर इज समथिंग विच रिड्यूसेस द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। तो जब आप ज़्यादा फाइबर खाएंगे तो आपके पेट में अतड़ियों में जो फैट एब्जॉर्ब होता है आपके फूड से, वो कम हो जाएगा। और तीसरा फायदा इसका ये होता है कि बादाम में या आमंड्स में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स एक ऐसा तत्व है जो आपके बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इन 3 मैकेनिज्म से आमंड्स हमारे बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो आपके खाने में रेगुलर आमंड्स या बादाम आज से ही इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। फूड आइटम नंबर 2, फ्रूट्स। फ्रूट्स में होता है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। फ्रूट्स में मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा अबाउट द फ्रूट एवोकाडो। नाउ एवोकाडो इज़ वन फ्रूट जिसके बारे में कोलेस्ट्रॉल कम करने की उसकी ताकत के बारे में काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी है, और उसमें साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि एवोकाडो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, और अगर पॉसिबल हो तो एवोकाडो को ज़रूर इंक्लूड करिए। तीसरा फूड आइटम है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, हरी सब्जियां और सलाद। अगेन इन सब में फाइबर का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आपके खाने में सैलड्स ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा है तो आपके अतड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल या फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाएगा, और आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलड और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। फूड आइटम नंबर 4, फिश। फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ऐसा तत्व है जो आपके बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आप किसी कारण से फिश नहीं खा सकते, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, देन इन दैट केस यू हैव द ऑल्टरनेटिव ऑफ ईटिंग और टेकिंग द फिश ऑयल कैप्सूल्स। इन फिश ऑयल कैप्सूल्स में भी वही ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि फिश में पाए जाते हैं। तो आप या तो फिश लीजिए या फिश ऑयल कैप्सूल्स लीजिए। 5वां फूड आइटम, और ये है लेग्यूम्स यानी कि फली। अब ये सोयाबीन हो सकता है, मटर हो सकता है, लेंटिल्स जैसे कि मसूर हो सकता है, या दूसरे बीन्स हो सकते हैं। तो ये सब जो बीन्स या फली वाली सब्जियां होती है, ये हमारे बॉडी के एक प्रोसेस जैसा कि का की नाम है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इसको इनहिबिट करता है, इसको रोकता है, और इसके थ्रू वो LDL कोलेस्ट्रॉल या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है। अब ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये आप समझ लीजिए कि ये जो फलियाँ हैं ये हमारे बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लेग्यूम्स का इन्वॉल्व करिए। आइटम नंबर 6, ओट्स। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओट्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स, और फाइबर्स किस तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपके खाने में रेगुलर ओट्स का इस्तेमाल करिए। एंड फाइनली आइटम नंबर 7 इज ऑलिव ऑयल। आपके खाने में ऑलिव ऑयल की मात्रा को या इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाइए। ऑलिव ऑयल में काफ़ी मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट्स आपके बॉडी के LDL कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। आप ऑलिव ऑयल को सलाद के ऊपर थोड़ा छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से ऑलिव ऑयल के इन्वॉल्वमेंट को आपके खाने में बढ़ाइए। सो टू समराइज, द 7 आइटम्स दैट रिड्यूस योर बॉडीज कोलेस्ट्रॉल आर: नंबर 1, आमंड्स; नंबर 2, फ्रूट्स; नंबर 3, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलड्स; नंबर 4,
is fish. Number 5, legumes, that is falli. Number 6, oats. And number 7 is olive oil. आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है सभी फूड आइटम्स के बारे में जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकता है, ये आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली, विथ एवरीबडी, फॉर एवरीबडीज बेनिफिट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज और एनी कमेंट्स, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगले वीडियो तक बाय बाय।